हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फन एंड नॉलेज ओशन। दोस्तों मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस में सोशल मीडिया व्हाट्सएप और यूट्यूब के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक से जुड़ी हुई कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आप ना जानते हों। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों फेसबुक आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक हिस्सा भी है। कई लोग तो अपना पूरा दिन फेसबुक में ऑनलाइन रहते हुए बिता सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि फेसबुक की शुरुआत आज से लगभग 15 साल पहले 4 फरवरी 2004 को हम सबके फेवरेट मार्क जकरबर्ग ने की थी। मार्क जकरबर्ग ने अपने यूज़र्स को फेसबुक वेबसाइट सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही नहीं बल्कि अपनी सुविधा के हिसाब से 70 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने की आज़ादी दी है। शायद आप ना जानते हों लेकिन मार्क जकरबर्ग को सैलरी के तौर पर हर साल सिर्फ $1 ही मिलता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक का रंग नीला क्यों है? इसका कारण ये है कि इसके फाउंडर मार्क जकरबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है और उन्हें हरे और लाल रंग के बीच में अंतर पता नहीं चलता, इसीलिए उन्होंने फेसबुक का कलर सिर्फ नीला रखा हुआ है। दोस्तों फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग की वजह से हर यूज़र को ब्लॉक करने की सुविधा दी गई है, लेकिन शायद आप ना जानते हों लेकिन आप फेसबुक से मार्क जकरबर्ग को कभी ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फेसबुक की तरफ से एक एरर मैसेज आएगा। दोस्तों शायद आप ना जानते हों लेकिन फेसबुक पर 83% फैन पेज प्रोस्टिट्यूट्स ने बनाए हुए हैं। अगर आप फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके इंटरनेट पर कोई और काम करते हैं तो इसकी जानकारी भी फेसबुक को मिलती रहती है। दोस्तों मार्क जकरबर्ग फेसबुक में लाइक के बटन का नाम पहले ऑसम रखना चाहते थे, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस फीचर का नाम लाइक ही रखा गया। दोस्तों फेसबुक पर कई फीचर्स की तरह एक पोक का भी फीचर है, लेकिन अगर आप किसी से इसका मतलब पूछेंगे तो शायद ही कोई इसका मतलब बता पाए, क्योंकि खुद फेसबुक ने भी इसका कोई मतलब या इसका काम तय नहीं किया है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप ब्लॉक भी हो सकते हैं। दोस्तों साफ तो नहीं कहा जा सकता लेकिन पूरी दुनिया में जितने लोग इंटरनेट पर हैं उनमें से 50% लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर फेसबुक का सर्वर डाउन हो जाए तो हर मिनट फेसबुक को $25,000 का नुकसान होता है। दोस्तों एक बार याहू और एमटीवी ने फेसबुक को ख़रीदने की कोशिश की थी, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोस्तों आज के ज़माने में फेसबुक का एडिक्शन एक बीमारी का रूप लेता जा रहा है। दुनिया भर में हर उम्र के लोग फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर यानी फेसबुक की लत से जूझ रहे हैं। इस बीमारी को FAD भी कहा जाता है। इस वक्त दुनिया में लगभग 35 करोड़ लोग FAD से ग्रसित हैं। यदि फेसबुक एक देश होता तो दुनिया में ये 5वां सबसे बड़ा देश होता, जिसका नंबर चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद आता। दोस्तों फेसबुक पर रोज़ाना लगभग 6 लाख हैकर्स अटैक होते हैं, लेकिन फेसबुक की IT टीम इतनी स्ट्रांग है कि उन अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों दिसंबर 2009 में फेसबुक ने प्राइवेसी सेटिंग में कुछ बदलाव किए थे, जिसके बाद जकरबर्ग की एक तस्वीर जिसमें वो टेडी बियर पकड़े हुए हैं ऑटोमेटिकली पब्लिक हो गई थी। दोस्तों फेसबुक हर महीने लगभग $3 करोड़ सिर्फ होस्टिंग पर खर्च करता है। दोस्तों एक फैक्ट ये भी है कि 2011 में अमेरिका में फेसबुक तलाक का सबसे बड़ा कारण बनी थी। अमेरिका में हर 5 में से एक शादी के टूटने की वजह कहीं ना कहीं फेसबुक से जुड़ी रहती है। शायद आपको ना पता हो लेकिन फेसबुक ग्लोब यूज़र्स की लोकेशन के हिसाब से बदल जाती है। दोस्तों यदि आप फेसबुक पर मार्क जकरबर्ग का पेज देखना चाहते हैं या उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो इस पेज तक पहुँचने का एक खास शॉर्टकट भी है। अगर आप फेसबुक के URL के आगे numeric 4 लिख देंगे यानी कि number 4 लिख देंगे तो आपका ब्राउज़र सीधे मार्क जकरबर्ग के पेज तक पहुंच जाएगा। दोस्तों 2011 में फेसबुक की मदद से ही आइसलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लिखा गया था। आपने जिस डेटा को फेसबुक पर टाइप तो किया है लेकिन उसे कभी पोस्ट नहीं किया, क्या आप ये सोच सकते हैं कि उस डेटा को भी कोई पढ़ सकता है? जी हाँ, फेसबुक ने अपनी एक स्पेशल टीम बनाई है जो ऐसे डेटा को भी एनालाइज करती है जो आपने टाइप तो किया है लेकिन कभी पोस्ट नहीं किया। दोस्तों अगर आपको घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं तो फेसबुक को हैक कर लीजिए। जी हाँ, $500 की हर राशि उस इंसान को दी जाती है जो फेसबुक को हैक कर सके। अगर आप फेसबुक की किसी गलती को भी पकड़ लेते हैं तो भी आप इनाम के हकदार होंगे।
दोस्तों इस वक्त फेसबुक पर 30 मिलियन अकाउंट्स ऐसे हैं जो लोग मर चुके हैं। यदि किसी फेसबुक यूज़र की मौत हो जाती है तो क्या उस फेसबुक प्रोफाइल ऐसे ही चलती रहेगी? जी नहीं, यदि हमारी जान पहचान में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम फेसबुक को रिपोर्ट करके उस प्रोफाइल को फेसबुक पर एक मेमोरियलाइज्ड अकाउंट का रूप दिलवा सकते हैं। दोस्तों फेसबुक के बारे में कुछ इंडियन फैक्ट्स भी हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फेसबुक की तरफ से नवंबर में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिस रिपोर्ट में फेसबुक का ये कहना था कि 14.3 करोड़ अकाउंट्स फेक होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेक अकाउंट भारतीय लोग ही बनाते हैं। दोस्तों फेसबुक पर जुड़ने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी शीला तंद्राशेखरा क्रिश्चन। दोस्तों फेसबुक में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर हैं रुचि सांगवी। रुचि ने ही फेसबुक पर न्यूज़ फीड का आइडिया दिया था। फेसबुक का न्यूज़ फीड सबसे कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ फेसबुक का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर भी रहा है। तो दोस्तों ये थी फेसबुक के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए इसको लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखें। जय हिंद।